किसान भाइयों, इस समय हमारे खेतों में मूंग की बसंतकालीन फसल और ग्रीष्मकालीन फसल उपलब्ध है। बसंतकालीन मूंग की फसल में इस समय फूल और फलियां आ रही हैं। फूल और फलियों को हमें कीड़ों से बचाना है, तभी हम अच्छी उपज ले पाएंगे। मुख्य कीट फूलों और फल का के हैं थ्रिप्स और पॉड बोरर। थ्रिप्स फूलों के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद ये फूलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फूल गिर जाते हैं और फूल डैमेज हो जाते हैं और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए स्पिनोसाइड को 0.5 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारा जो है कीड़ों का जो असर है वो कम हो जाएगा। फिर हमें यह भी सुनिश्चित करना है बसंतकालीन मूंग में कि जब फलियां बन रही हों, फलियों में दाना बढ़ रहा हो, तब खेतों में नमी की कमी ना हो। नमी की कमी होने से फिर हमारी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी। हमारी दूसरी मूंग की फसल जो इस समय खेतों में है वो है ग्रीष्मकालीन मूंग। ग्रीष्मकालीन मूंग अभी 20 से 25 दिन की फसल हुई है। इस फसल को निराई गुड़ाई की आवश्यकता है। निराई गुड़ाई कर हम इसमें इमीडा क्लोरोपिड का 0.2 से 0.3 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी का स्प्रे खेत में कर सकते हैं। निराई गुड़ाई और दवाई के स्प्रे के बाद 25 दिन की फसल होने पर हम एक हल्का पानी भी लगा दें। खेत में कभी भी पानी मूंग की फसल में भरना नहीं चाहिए, भरने से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे बाद में फूल और फल आएंगे तो हमें फिर थ्रिप्स से नियंत्रण करना है। फलियां आते समय अगर पॉड बोरर मूंग की फसल को अटैक करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी स्पिनोसाइड की दवा कारगर है।